दोस्तों मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ एक और टाइप की कार की। तो ये है पिछले दोस्तों ये 8 ईयर्स से दोस्तों यहाँ पे अबैंडन पड़ी है। उसके पहले काफ़ी चलती थी दोस्तों ये कार। ये एक गवर्नमेंट कार है दोस्तों, महिंद्रा की जीप थी दोस्तों। यहाँ महिंद्रा की बैजिंग किसी ने निकाल ली है, महिंद्रा की जीप जो कि आज भी थार में यही डिज़ाइन आती है। साइड से व्हील आर्क भी देख सकते हैं, फ्रंट की मेटल बम्पर, बिहार के नंबर। और दोस्तों इसकी मैं आपको बोनट दिखाता हूँ। इसकी बोनट की ओपनर थी दोस्तों कुछ इस तरह की थी, अपलिफ्टेड थी, राउंड हेड लैंप्स और यहाँ पे इंडिकेटर्स हुआ करती थी जो कि निकाल ली है। जैसे कंडेंसर आप देख सकते हैं, कंडेंसर है दोस्तों पूरी तरह से डैमेज है। कुछ इस तरीके से दोस्तों की जाती थी, पूरी तरीके से रस्ट लग चुकी है दोस्तों और कार की बॉडी फंडेड हो चुकी है दोस्तों। कुछ इस तरह की इसकी अंडर बॉडी, इसकी इंजन दोस्तों कुछ इस तरीके की है, काफ़ी बड़ी इंजन है दोस्तों, ट्रक की जैसी है दोस्तों। इसकी काफ़ी सारे स्नेल्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी इंजन कुछ इस तरीके की है दोस्तों। बोनेट क्लोज करते हैं, काफ़ी भारी बोनेट है दोस्तों इन कार के मुकाबले दोस्तों। इसकी बॉडी भी काफ़ी हैवी है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। क्या आपको इस तरीके की कार स्ट्रांग लगती है? आप बोलते हैं सीट के हिसाब से, तो ये कार तो मोस्ट स्ट्रांगेस्ट हुई। तो फ्रंटल ये है इसकी दोस्तों। इसकी कार की ड्राइव शाफ्ट कुछ इस तरीके की पूरी राउंड शेपेड थी, फोर व्हील ड्राइव सिस्टम भी था दोस्तों इस कार में, राउंड शेपेड दोस्तों ड्राइव शाफ्ट। सस्पेंशन नहीं थी दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें किस तरह की थी। पत्ती थी दोस्तों, आपको दिखाता हूँ पत्ती हुआ करती थी दोस्तों। ये है इसका कुछ टायर, नो अलॉय, अलॉयज कहाँ से आएंगे दोस्तों। स्टील रिम है, काफ़ी हेवी रिम है लेकिन काफ़ी थिन टायर है दोस्तों, टायर पूरी तरीके से डैमेज है। गुड ईयर के टायर आते थे दोस्तों इस कार में, काफ़ी स्पेस है दोस्तों व्हील आर्क और टायर्स के बीच में, देख सकते हैं दोस्तों। ये थी दोस्तों इसकी सस्पेंशन सिस्टम, मैं आपको दिखाता हूँ। पत्ती आती थी दोस्तों एक पतली सी, उस साइड से काफ़ी हैसल है दोस्तों, कुछ इस तरीके की थी। ये थी दोस्तों कुछ पत्तियों पे टिकी रहती थी और काफ़ी जर्क देती थी दोस्तों कार में जो है। ये इसका नेगेटिव कैमर, पॉजिटिव कैमर था दोस्तों इस कार में दोस्तों। ये है कुछ इसका साइड, टिपिकल थार लगती है दोस्तों, परफेक्ट ऑफ रोड थी उसमें दोस्तों। ये था इसका इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर, काफ़ी बड़ी सी व्हील आर्च है। डोर स्टेप्स फैंसी नहीं है दोस्तों, रेयर, साइलेंसर, फ्यूल टैंक लिड, नो कवर ओनली की दोस्तों। ये इसका रेयर, हालांकि कार बढ़िया सॉलिड है, इतना हेवी रेन होने के बावजूद भी इसमें रस्ट भी बुरी तरह नहीं है, काफ़ी सॉलिड है दोस्तों। मार दो किसी कारण पूरा कार चट्टा हो जाएगा। ये है दोस्तों का सस्पेंशन, हालांकि दोस्तों काफ़ी कार इस तरह की अभी भी चलती हैं। फोर व्हील ड्राइव सिस्टम में आपको दिख रहा होगा, इसका रेयर पावर जो डिलीवर करता था, काफ़ी स्पेस है दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसका सस्पेंशन कुछ इस तरीके का है दोस्तों। कार की इंटीरियर कुछ देख लेते दोस्तों, कुछ इस तरह की थी इसकी डोर, सेम थार लाइक इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। फोर व्हील ड्राइव सिस्टम गियर और फोर स्पीड गियर, ट्रांसमिशन गियर, काफ़ी बड़ी कार है दोस्तों इंटीरियर से। रूफ लाइट्स, रेस्ट पेंटेड दोस्तों, पावर स्टीयरिंग नहीं थी इस कार में। इंडिकेटर्स, स्पीडोमीटर्स कुछ इस तरीके के हैं, वो सब देख सकते हैं कहाँ से। रोप्लास कंपनी की ये कार थी दोस्तों। दोस्तों ये है इसका कुछ कार स्टार्ट करने का, और दोस्तों ये फोर व्हील ड्राइव सिस्टम, जिस टायर में आपको जितनी डिलीवरी चाहिए। इसके पैडल्स, पूरी वायरिंग लटकी पड़ी है। सीट्स दोस्तों अच्छी कुशनिंग थी। और दोस्तों फ्रंटल वाइपर देख लेते हैं, ये है इसका काफ़ी छोटा फ्रंटल वाइपर, सेम ट्रक लाइक, काफ़ी टॉल बॉय डिज़ाइन है दोस्तों। आप देख सकते हैं पॉपुलेशन फंड, गवर्नमेंट की कार थी दोस्तों ये। रियर कुछ इस तरीके का है,
आप अगर पीछे से देखोगे तो आपको ये थार लगेगी दोस्तों, रोप्लस की ब्रांडिंग, रेयर की गिट डोर की चिप्स रखी है। ओपन हो रही है दोस्तों, हैंडल हालांकि अटके हुए हैं, रेयर की डोर आ गया, चार बार कुछ इस तरीके की डोर है दोस्तों, चार बार कुछ इस तरीके की दोस्तों, काफ़ी बड़ी रेयर है, स्टेलिन इसकी ब्रांडिंग थी। स्पेयर टायर के लिए दोस्तों सपोर्ट, टेल लैंप्स डैमेज्ड, पेंट डैमेज्ड और रेयर टायर। सो रेयर कुछ इस तरीके का दिखता था दोस्तों। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये रो प्लस की जिप कैसी लगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें।